चेयरमैन साहब भी वैसा ही करते करके राष्ट्रपति जी सर इसको इसको डिलीट कर देंगे कि मैं भी ऐसा करता हूँ दिस इज डिलीटेड। राष्ट्रपति जी संसद का सबसे अहम हिस्सा है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। अभिभाषण का कंटेंट सरकारी होता है, सरकारी पक्ष को इसे विजन स्टेटमेंट बनाना था। चुनौतियों से कैसे निपटेंगे ये बताना जरूरी था, लेकिन उसमें ऐसी कोई कंटेंट नहीं है। इस साल राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण 31 जनवरी को हुआ था और 27 जून को दूसरा अभिभाषण 18वीं लोकसभा के गठन के बाद हुआ। पहला अभिभाषण चुनावी था और दूसरा उसी की कॉपी जैसा है वैसा ही, न दिशा है न कोई विजन है। हमें भरोसा था कि राष्ट्रपति जी संविधान और लोकतंत्र की चुनौतियों पर कुछ बातें जरूर रखेंगे, सबसे कमजोर तबकों के लिए कुछ ठोस संदेश देंगे, लेकिन हमें घोर निराशा हुई कि इसमें गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए कुछ भी नहीं है। पिछली बार की तरह ये केवल तारीफ का फूल बांधने वाला अभिभाषण है। इतनी तारीफ तो हमारे द्विवेदी साहब, कभी कभी कन्फ्यूजन होता द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी, इसमें माफ कीजिए क्योंकि मैं दक्षिण से आता हूँ, ये इन इन शब्दों से मैं ज्यादा वाकुफ नहीं। वी कैन हैव हाफ एन आवर डिस्कशन ऑन दिस इफ यू वांट। पार्डन, वी कैन हैव हाफ एन आवर डिस्कशन ऑन दिस कि द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी क्या है। नहीं वो तो